So guys, it's me Aastha. Welcome to the next video of my channel. Job picture के बाद बहुत सारे लोगों को यह डर लगता है कि ocean और seas में कैसे जाए, उनको बहुत ज्यादा डर लगता है वहाँ जाने से, और इस बात के लिए हम उन्हें ब्लेम भी नहीं करते क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इस पिक्चर में तो असल घटनाओं को दिखाया भी गया है। 1960 में न्यू जर्सी में एक बुल शार्क ने 4 आदमियों को निगल दिया था, और इस पिक्चर में भी ऐसे ही कुछ सीन्स हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ बैठ गया है। ओशन और सीज में जाने से पहले उन्हें 10 बार सोचना पड़ता है, और बेशक उन्हें सोचना भी चाहिए क्योंकि अगर वो बिना जानकारी के जाते हैं तो उनके लिए और बाकियों के लिए खतरा भी हो सकता है। तो चलिए फिर हम आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ 5 खतरनाक शार्क के बारे में, या फिर ये कहे कि मॉन्स्टर शार्क के बारे में। नंबर 5, ग्रेट व्हाइट शार्क इन अ नेट। 4500 पाउंड्स का वजन रखने वाले ये वेल्स पाए गए थे फिशरमैन द्वारा। उसे इसने क्रेन्स की सहायता से बाहर निकाला था और अपने नेट में ट्रैप कर लिया था, लेकिन ये बहुत डिसअपॉइंट हुआ था जब इसको ये बात पता चली कि ये मर चुका है। लेकिन वहाँ के लोग और ये खुद नहीं जानता था कि उसके लिए कितना अभी बड़ा सरप्राइज बाकी है। जब बाकी लोगों ने और उसने मिलकर चेक किया इसकी पूरी बॉडी को, तो उन्होंने देखा कि उसके दांत में बीच में एक 6.5 फीट लंबा टर्टल फंसा हुआ है। आप सोच सकते हो कि 6.5 फीट लंबा, बिल्कुल अनबिलीवेबल सा लगता है, और ऐसा सिर्फ व्हाइट शार्क के साथ ही हो सकता है, इसलिए ये एकदम अलग बात है। नंबर 4, जायंट व्हेल शार्क इन पाकिस्तान। इस जायंट व्हेल की हाइट 136 फीट की थी, 8 फीट लंबी पेक्टोरल फिन्स और 15.7 फीट टेल फिन। नो डाउट ये आज तक का सबसे खतरनाक व्हेल है जो इंसानों द्वारा पकड़ा गया है, या फिर ये कहे कि इंसानों और क्रेन्स के द्वारा पकड़ा गया है। हाँ, इनको इनके पानी से निकालने में पूरे के पूरे 5 क्रेन्स की मदद ली गई थी। यह अनकॉन्शियस रूप में पाया गया था पाकिस्तान के एक शोर पर जो कि 90 मील्स दूरी पर था, और इसके बाद इसे कराची ले जाया गया। वहां इसे 3 दिन तक प्रदर्शनी पर रखा गया और उसके बाद इसे मीट के लिए बेच दिया गया। नंबर 3, फूट हैमरवुड शार्क। अगर आप लोगों को फिशिंग पसंद है और उन्हें अपनी फैमिली वालों के साथ खाना पसंद है, तो आप भी जरूर फिशिंग करने जाते होंगे और छोटी मछलियों को पकड़कर अपने फैमिली के साथ मजे से उड़ाते होंगे। लेकिन ये जो फैमिली है फ्लोरिडा की, ये भी ऐसा ही कुछ चाहती थी। वो गई थी फिशिंग करने और उन्होंने बहुत अच्छे से मजे करते हुए फिशिंग कॉर अंदर डाली। जब उनको ऐसा लगा कि उनके कॉर्ड में एक बड़ी फिश फंस गई है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। लेकिन जब उन्होंने उसे खींचना चाहा, तो वो खींच ही नहीं रहा था, और जब उन्होंने देखा तो वो 13 फुट लंबी शार्क थी जो कि उनके फिशिंग कॉर्ड में फंस गई थी। ये बहुत ही हैरानी की बात थी, इसलिए थी क्योंकि कभी भी जो शार्क्स होते हैं वो शैलो वाटर में स्विम नहीं करते। जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही उन लोगों में से 2 लोग बाहर आए और उन्होंने तुरंत ही उसके मुंह से वो कॉर्ड निकाल दी, जो कि बहुत ज्यादा ब्रेवरी का काम था क्योंकि ये हैमरवुड शार्क ऑलरेडी हमारे दुनिया में बहुत ही कम नंबर में अब बची हुई है, क्योंकि इन्हें इनके फिन्स के लिए मारा जा चुका है, बहुत सारे मारे जा चुके हैं ऐसे ही। तो इसका बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और उसके लिए ये जरूरी था कि इसको जल्द से जल्द पानी में वापस भेजा जाए, जो कि इन लोगों ने किया और जो कि बहुत अच्छी बात भी रही। नंबर 2, ग्रेट व्हाइट शार्क इन हवाई। अगर आप इनको देखो तो जरूर वहां से भाग जाओगे। ऐसा ही हुआ कुछ डाइवर्स के साथ। उन्होंने सोचा कि ये शार्क भी बाकी शार्क्स की तरह बहुत डरावना होगा, लेकिन जब उन डाइवर्स ने इसको देखा तो वो एक बहुत ही अजीब चीज के सामने आ गए, क्योंकि वो समय एक स्पर्म व्हेल को खा रहा था, और जब तक वो खा रहा था इन डाइवर्स ने सोचा कि इसको ले चलते हैं। और अजीब बात तो ये रही कि जब ये डाइवर्स उसको अपने साथ लिए जा रहे थे, उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। उसको मतलब शायद कोई डर ही नहीं था, या उसको कोई इरिटेशन ही नहीं हो रही थी, वो मजे में अपना खाना खाने में लगा हुआ था, और इन डाइवर्स ने उसे पानी के पार पहुंचा दिया।
उन डाइवर्स को इस व्हेल के साथ इतनी मजा आई कि उन्होंने इसके साथ बहुत सारी वीडियोस और फोटोज भी ली। कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे ब्लू व्हेल का भी नाम दे दिया था। ब्लू व्हेल कहे या डीप ब्लू कहे, 20 साल पहले कुछ साइंटिस्ट द्वारा इसको ये नाम दे दिया गया था। नंबर 1, एल मोंस्टुरो कोजिमार। 6 फिशरमैन ने एक साथ 1945 में फिशिंग करने के लिए क्यूबा के कोजिमार कोस्ट में जाने का सोचा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने इसे देखा और ये उनके बोट पर आ गई। उन्होंने इसे कुछ टूल्स और हार्पून्स की मदद से पकड़ा था। जब से उन्होंने पकड़ा था तो वो पूरी रात और दूसरा आधा दिन उन्होंने इसके साथ बैटल करने में ही गुजार दिया। ये 21 फुट लंबा और 7000 पाउंड का था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा हुआ था। अक्सर वाइट शार्क 16 से 17 फीट लंबे ही होते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी हाइट 21 फीट की थी इसलिए ये अजूबा था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।